हमको यहाँ बूढ़ा में गिनती रखते हैं। नहीं नहीं, आप लग रहा मेरी बात बुरा मान के, आप मेरी बात बुरा मान के, नहीं ऐसा नहीं है। तीसरा पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन आया तो मैं खुश रहेगा। मालिक का तो हमारा राज भी मिल जाएगा तो वो कहेंगे कि अभी तो राज मिला है। मालिक देख नहीं रहे हैं कि कितना इसमें मेहनत किया गया है। कि खुशी नहीं हुआ जितना होना चाहिए, हर चाहेगा तब खुशी होगा। प्राइज जीत को तो हमारा लगा कि अयोध्या को राज मिल गया हमारा। और हमारे जो जॉकी हैं शंभू सिंह जी, ये बहुत ही काबिल जॉकी हैं और बहुत पुराने जॉकी हैं। आज हम लोग तीसरा प्राइज लिए हैं, कल हम लोग प्रथम भी लेंगे। ऊपर वाले ने हम पर बहुत मेहरबानी किया कि आज हमको बीच सभा में बहुत लाज बचा दिए कि उजला बाल हो गया। बिया कबार कर कोई घाम में नहीं उजला बार किए हैं कि हम अपना घोड़ा बनाते हैं तो रेस लड़ते हैं, नहीं तो नहीं लड़ते हैं। हम कहें कि दादा द्वारपति जैसा हमारा चीर खिंचा रहा है, हे कृष्ण जहां हो आकर हमारा लाज को बचा दो। तो हम नौजवान को कहते हैं कि नौजवान हमसे मत लटपटाओ, थोड़ा रहम करो हमारे ऊपर। 3 दिन के बच्चे से ये लड़कर दिखाए हैं, केवल 3 दिन के बच्चे से 1 दिन रियाज गांव पर नहीं दिए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में की खास खबर। 30 अक्टूबर को अयोध्या के रौनाही में हुई घोड़ों की रेस में देश के जाने माने घोड़ों ने हिस्सा लिया। इसमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन नस्ल के घोड़े शामिल थे। इस रेस में बड़े घोड़ों के साथ साथ कम उम्र के घोड़े भी शामिल हुए, जिसमें पटना बिहार से आए विवेकानंद पहलवान के घोड़े ने कमाल कर दिया। विवेकानंद के घोड़े की उम्र जहां कम थी तो वहीं उनके जॉकी की उम्र 60 साल है, लेकिन छोटी उम्र के घोड़े और ज्यादा उम्र के जॉकी के हुनर का तालमेल देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हम इस वक्त अयोध्या के रौनाही में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार घोड़ों की रेस थी और इनके घोड़े ने भी खिताब हासिल किया है। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने नंबर पर घोड़ा आया था और आखिर क्या मुश्किलात पेश आई, क्योंकि ये यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर पटना शहर से यहाँ पर आए थे। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे कैसे इनको घोड़े का शौक लगा और आज जब उनका घोड़ा खिताब लेकर आया है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पर। आपको भी स्वागत हो। सर, पहले अपना नाम बताएं। विवेकानंद सिंह, पटना जिला बिहार, बार लखनऊ। सर, आज आपका घोड़ा जीता है, कौन सा प्राइज पाए? तीसरा पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन आया था, मैं खुश रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब पोजीशन बहुत देखे ना, दर्जनों घोड़े मेरे लिहाज से दर्जनों घोड़े दौड़े थे। उतना खुशी नहीं हुआ जितना होना चाहिए, फर्स्ट आएगा तब खुशी होगा। आपको चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है हम दुख दुआ करेंगे कि जो है इस थर्ड प्राइज के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आने वाले वक्त के लिए हम लोग सब मिलकर दुआ करेंगे कि आपका घोड़ा जो फर्स्ट प्राइज लेकर आए, रेस में था और बीट कर रहा था, ये अपने आप में बड़ी बात थी। सर, आप जैसे कब आपको ये शौक लगा घुड़सवारी? हमको बच्चे शौक है। अच्छा। हमारे घर में घोड़ा इनका आनंद सिंह विधायक जो है उनका फर्स्ट आया है और रहता था, हमको भी घोड़ा रहता था बाबू जी और सब कुछ, लेकिन अब जब से हम देखे हैं शौक बड़ा, शौक जब तक रहेगा जिंदा शौक रहेगा। नहीं तो आपके जो बच्चे हैं वो भी घोड़े में ही? हाँ हाँ, वो फोटो मांग रहा था महिलाने में, अब किन दिया कि नहीं, सब दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जब आपने इस घोड़े को परचेज किया था, ये आपने यही पाला था, ये आपके यहाँ पैदा हुआ था? परचेज किए हैं जी जी। तो जब आपने परचेज किया था आपको पता था कि ये कभी कंपटीशन बीट करेगा? हाँ 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 हाँ, ये फर्स्ट के हमको लोग था कि फर्स्ट आएगा, अगर प्रैक्टिस हो जाता तो हम फर्स्ट लेते इसको। मतलब अभी आपको नाराजगी है अपने घोड़े से, ये फर्स्ट क्यों नहीं आया? फर्स्ट कहाँ नहीं आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी हो गई थी। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी हो गई थी हमारे यहाँ, पानी के वजह से हम लोग प्रैक्टिस घोड़े को नहीं दे पाए थे, जिसके वजह से घोड़ा को थोड़ा सा यहाँ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगर हम लोग प्रैक्टिस करके आते तो हम लोग प्रथम के दावेदार थे। और हमारे जो जॉकी हैं शंभू सिंह जी, ये बहुत ही काबिल जॉकी हैं और बहुत पुराने जॉकी हैं और ये इंडिया लेवल में एक जाने माने जॉकी माने जाते हैं और इनका काबिलियत आज हम लोग को ये मुकाम हासिल कराया है। आज हम लोग तीसरा प्राइज लिए हैं, कल हम लोग प्रथम भी लेंगे
और हमारे घोड़े को तैयार करने के लिए हम हमारे जो साईस हैं उन इनका खखनू जी का बहुत ही योगदान रहा, क्योंकि जौकी तो केवल घोड़े पर चढ़ता है, घोड़े को तैयार करने में साईस का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने साईस खखनू जी का, जो कि घोड़े को इस तरीके से तैयार किए कि हम लोग बिना प्रैक्टिस के भी यहाँ स्थान हासिल किए। और मैं अपने जॉकी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिना तैयारी के और तृतीय स्थान आपने प्राप्त किया, उसके लिए मैं अपने जॉकी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अब हम जो है आपकी मुलाकात जॉकी से कराने जा रहे हैं, जो इस घोड़े के जॉकी थे, हम पहले भी उनसे मिल चुके हैं। उस वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज था हमारा भी कि पता नहीं निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर और एक्सपीरियंस मायने रखता है, उम्र मायने नहीं रखती। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपने बारे में पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको ये प्राइज़ जीत कर? प्राइज जीत को तो हमरा लगा कि अयोध्या को राज मिल गया हमरा। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम इस अवस्था पर पहुंचने वाले नहीं थे। दो दिन को परीक्षा में हम फेल रहते थे, लेकिन ऊपर वाले ने हम पर बहुत मेहरबानी किया कि आज हमको बीच सभा में बहुत लाज बचा दिए। मालिक को तो हमारा राज भी मिल जाएगा तो वो कहेंगे कि अभी तो राज मिला है, मालिक देख नहीं रहे हैं कि कितना इसमें मेहनत किया गया है, कितना नहीं किया गया है। वो लड़का एक दिन ट्यूशन नहीं कराया गया, वो लड़का जाकर अपना नंबर उठा लिया, तो नंबर उठा लिया तो उसमें तो खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो कल ही आपसे बोले थे कि उजला बाल हो गया, बिया कबार कर कोई घाम में नहीं उजला बाल किए हैं, घोड़ा चढ़कर। आपने कहा था ये बाल जो है आपके धूप में नहीं सफ़ेद हुए। हाँ, धूप में नहीं सफ़ेद है, ये घोड़े पर सफ़ेद हो गया। हम ये भी बोले थे कि हम अपना घोड़ा बनाते हैं तो रेस लड़ते हैं, नहीं तो नहीं लड़ते हैं। दूसरे को बनाया हुआ घोड़े पर हम लड़बे नहीं करते हैं, हम खुद पैदा करते हैं, अपने आप से लड़कर दिखाते हैं। इस घोड़े पर अभी तक हमारा आज तक यही ऊपर वाले से मांग रहे थे कि बस केवल लाज बचा दीजिए, जैसे कि अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है जिसका चीर खिंचा रहा था। हम कहें कि दादा द्वारपति जैसा हमारा चीर खिंचा रहा है, हे कृष्ण जहाँ हो आकर हमारा लाज को बचा दो। बाहर ऊपर वाले के दया कि लाज इतना बचा कि यहाँ एक से एक माननीय सवार थे, हमको यहाँ बूढ़ा में गिनती रखते हैं। नहीं नहीं, आप लग रहा मेरी बात बुरा मान के, आप मेरी बात बुरा मान के, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अगर नौजवानों को देखिए, आपका एक्सपीरियंस वही काम आया यहाँ पर, आपने रेस निकाली है, जो बात है आज आपने नौजवानों को पटकनी दी है यहाँ पर, ठीक है? तो ये बाल में माना, ये लोग सब मानेंगे कि जो है ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए। तो हम नौजवान को कहते हैं कि नौजवान हमसे मत लटपटाओ, थोड़ा रहम करो हमारे ऊपर। यदि हमारे ऊपर रहम करोगे तो ऊपर वाले तुम्हारे ऊपर भी रहम करेंगे, नहीं तो जिस दिन हमारे साथ लटपटा जाइएगा उस दिन बचना मुश्किल हो जाएगा। हम मुश्किल कर दिए हैं, 3 दिन के बच्चे से ये लड़कर दिखाए हैं, केवल 3 दिन के बच्चे से, एक दिन रियाज गांव पर नहीं दिए हुए हैं। मालिक बोले हमको यहाँ से वहाँ, हम दूसरे जगह थे, लाद कर घोड़ा विदा करा दिया, कहे कि जाइए लड़िए, जो होगा वो सो देखा जाएगा। तो मालिक तो कह रहे थर्ड प्राइज मिला वो खुश नहीं है। मालिक को तो राज मिलेगा, कोई अयोध्या को राज मिलेगा तब पर भी कहेंगे कि अभी कमी है, अभी 10 ठीका चल रहा है मालिक को, 10 ठीका 500 ट्रक चल रहा है। मालिक को अब नाम क्या क्या कहना है कि कहां नाम गया, लेकिन आज जीत विवेका पहलवान, बिहार केसरी, भारत केसरी, बाढ़ के रहने वाले, पटना को रहने वाले, एक जीत में हासिल को नाम आया ना, हार तो नाम नहीं ना आया। तो पहले हारना सीखो तब जीतना सीखो, जब हारिएगा तब जीतिएगा, नहीं तो जीत के लिए लिए जाइएगा तो घर अग्ने में अखड़ा में पहलवानी करते रह जाइएगा, और पहलवानी करते करते वहीं पर बुढ़ा जाइएगा, फील्ड देखने का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही कहकर अब हम समाप्त करते हैं। तो ये थे शंभू जी, जिन्होंने ये एकदम जाहिर कर दिया और सबूत के साथ पेश कर दिया कि उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आदमी का हुनर
और उनका जज्बा और उनका एक्सपीरियंस। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन अयोध्या। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।